नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमें सैल्मन फिश के बारे में बताओ। दरअसल सैल्मन फिश का रेट अच्छा है और उसी के साथ साथ इसका साइज़ भी अच्छा होता है और पालना भी इसे इजी है ऐसा माना जाता है। तो आज हम सैल्मन फिश के बारे में बात करेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दूँ कि सैल्मन फिश जो है, इसका भारत से ज़्यादा कहीं क्रेज है तो वो वेस्ट के अंदर है। भारत के अंदर क्रेज है भी तो भी यहाँ के लोगों को सैल्मन जो है, रियल सैल्मन, वो खाने को नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पर एक रावास करके इंडियन सैल्मन के नाम से एक मछली है जो मिल जाती है, लेकिन अगर हम रियल सैल्मन की बात करें तो वो फिश वेस्ट के अंदर मिलती है। और वहाँ पे जो लोग इसकी खेती करते हैं, वो इसकी खेती के लिए क्या करते हैं, पहले इसकी हैचरी तैयार कर लेते हैं, बच्चे तैयार कर लेते हैं, फिर उन बच्चों को समंदर में छोड़ देते हैं और फिर समंदर से जो है, उन बच्चे के जब वो बड़े हो जाते हैं तब तो वहाँ से उनको कलेक्ट कर लेते हैं। उनके लिए स्पेसिफिक उन्होंने बाउंड्रीज के एरिया बना रखे हैं जिसके अंदर वो उसे छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम भारत की स्थिति में देखें कि यहाँ पे सैल्मन पे क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि सैल्मन के ऊपर आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ नए बिजनेसमैन जो हैं, कुछ नए किसान जो हैं, वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सैल्मन इधर कामयाब होगा नहीं होगा इसका पूरा पता अभी किसी को नहीं है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सैल्मन को आपने पालना है और अच्छा वेट लेना है और प्रॉपर जैसे वेस्ट के लोग हार्वेस्ट करते हैं उतनी हार्वेस्टिंग आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि एक तो समंदर का पानी, तो लोग कहते हैं कि हम खारे पानी की व्यवस्था कर देंगे, झींगा भी तो खारे पानी में होता है, बिल्कुल होता है, आप खारे पानी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जो समंदर का टेम्परेचर है 4 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में जो ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है, वो पूरा टेम्परेचर आप सैल्मन को नहीं दे पाएंगे। और बेसिकली जो सैल्मन है वो समंदर के अंदर पलने वाली मछली है, तो ऐसे के अंदर अभी ये कह देना कि कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है 10-20 लाख रुपये तो वो सैल्मन पर कर ले, ये मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। खैर, आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि सैल्मन जो है वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। अगर कोई इसकी खेती यानी इसकी फार्मिंग अगर कोई करना चाहे, इसका पालन कोई करना चाहे, वो कर सकता है और आंध्रा के अंदर कई किसान जो हैं वो कर भी रहे हैं। खैर, मेरी तो यही एडवाइस है, सैल्मन के ऊपर अभी आप इस झंझट में मत फंसिए। जब इस पर प्रॉपर रिसर्च हो जाए और प्रॉपर ये पता चल जाए कि हाँ भाई सैल्मन कामयाब हो सकती है, तभी आप इसको कीजिए। पिछले ही साल, इसी साल फरवरी के अंदर आंध्र के एक किसान ने 2 केज जो हैं वो स्पेशल सैल्मन के लगाए हैं और बाकी वो अन्य मछलियों को पालते हैं, लेकिन सैल्मन के इन्होंने 2 केज लगाए हैं, लगभग 2000 मछलियाँ उसमें छोड़ी हैं। तो उनसे जो भी रिपोर्ट मिलेगी या उनका जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम आपको बता देंगे। और दूसरी बात, सैल्मन को टाइम थोड़ा लंबा लगता है बड़ी होने में, तो ऐसे में वो शायद इंडियन मार्केट के हिसाब से फायदे का सौदा नहीं है। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जिस भी टॉपिक के बारे में जानना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछें। देखते रहिए ABC इंडिया।